मॉडल एक्सेलेंस, मॉडल एक्सेलेंस. देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. इन हेल्पिंग वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी एक्सेलेंस एंड मॉडल एक्सेलेंस. इन प्राइमरी एक्सेलेंस ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, टू बी, टू हैव, टू डू. इन टू बी एम, इज, आर, वाज, वेयर. इन टू हैव, हैव, हैज, हैड. एंड इन टू डू, डू, डज, डिड. देर आर 13 मॉडल एक्सेलेंस इन इंग्लिश. दे आर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर. सी दिस चार्ट, मॉडल एक्सेलेंस एंड देयर मीनिंग्स. फर्स्ट कैन, कुड, इट्स मीनिंग इज एबिलिटी. इन मराठी वी कॉल्ड क्षमता और समर्थता. सेकंड मे, पॉसिबिलिटी, परमिशन. इन मराठी मीनिंग शक्यता, परवानगी. थर्ड माइट, लेस पॉसिबिलिटी. इन मराठी मीनिंग कमी शक्यता. फोर्थ मस्ट और यूज्ड टू, कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी. कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी. इन मराठी नैतिक कर्तव्य, बंधनकारकता. विल, शॉल. मीनिंग इन इंग्लिश सर्टेनिटी, मराठी मीनिंग विल और शॉल, निश्चितता. नेक्स्ट शुड, एडवाइस, ऑब्लिक सजेशन. इन मराठी मीनिंग सल्ला, उपदेश. नाउ सेवन वुड, ऑब्लिक यूज्ड टू, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. इन मराठी मीनिंग भूतकाळातील सवयीची क्रिया. नीड, नेसेसिटी, आवश्यकता, गरज. डेअर, हॅव ए करेज, धैर्य असणे. ए चेंज इन यूज इन द मॉडल ऑक्सिलरी, ए चेंज इन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. देर इज गिवन वन एक्झाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कॅन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. इन दिस सेंटेंस कॅन शोज एबिलिटी, ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मे शोज पॉसिबिलिटी. ही शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शुड शोज एडवाइस. ही विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, विल शोज सर्टेनिटी. ही मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मस्ट शोज ऑब्लिगेशन. ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यूज्ड टू शोज हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. देर आर 13 मॉडल एक्सेलेंस इन इंग्लिश. मॉडल एक्सेलेंस आर यूज्ड टू इंडिकेट मूड. दे इंडिकेट स्पीकर्स और राइटर्स एटीट्यूड इन व्हाट ही सेज और राइट्स. दे आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब विथ अनदर वर्ब टू चेंज इट्स मीनिंग इन सम वे. ए चेंज इन द यूज ऑफ मॉडल एक्सेलेरी चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. दे नेवर कम सिंगल, दे कम विथ मेन वर्ब्स. देर आर प्राइमरी एंड मॉडल एक्सेलेरी, देर आर 24 एक्सेलेरी वर्ब्स इन इंग्लिश. नाउ सम एग्जाम्पल्स और सम सेंटेंसेस फ्रॉम HSC बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर. सेंटेंस नंबर वन, एन एनिमल, एन एनिमल क्या, एन एनिमल क्या, मे, एन एनिमल मे अल्टर सराउंडिंग्स. Surroundings.
modal auxiliary showing ability. Answer is an animal can alter surroundings. In this sentence, can also indicate the meaning of ability. Now the next sentence. Number two, they need to be protected. Rewrite sentence or rewrite using modal auxiliary showing obligation. 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 Answer is they must be protected. They must be protected. In this sentence, must is also indicate the meaning of obligation. Now the third sentence. Number three. Be prepared. Be prepared. Always. Always to pay the price. Pay the price. Rewrite using modal auxiliary showing suggestion. Suggestion. Answer. You should be prepared always to pay the price. Pay the price. Here should also indicate the meaning of suggestion. Now the fourth sentence. Number four. The time might come. Time might come. Replace modal auxiliary showing certainty. Answer is
the time will come. Here will also indicate the meaning of certainty. Sentence number 5. I will teach you, this lesson next week. Instruction. Rewrite using modal auxiliary showing less certainty. Answer. I may teach you this lesson next week. Here, may also indicate the meaning of less certainty. Now the next sentence, sentence number 6. Culture and arts will be strongly strongly supported. Instruction. Make it less definite. Answer. Culture and arts might be strongly supported. Here might indicates, or the meaning of the might is less possibility or less definite. Now the last sentence, sentence number 7. He would pay the fine decided by them. Instruction. Rewrite used to. Answer. He
he used a tool. Pay the fine decided by them.